तो अभी रिसेंटली मैं कई सारे कमेंट्स जब चेक कर रहा था तब मुझे पता चला कि गलगोटियाज कॉलेज की काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। आप लोगों ने बोला है कि गलगोटिया के ऊपर वीडियो बनाएं, गलगोटिया के इंजीनियरिंग पे वीडियो बनाएं, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है। हाय मायसेल्फ हिमांशु, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी रिव्यू करने वाले हैं आज इस वीडियो में, इनका प्लेसमेंट, इनका फी स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे एडमिशन हो सकता है और भी ढेर सारी बातें होती हैं। एंड हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है, गलगोटिया कॉलेज है, तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, सारी कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं इसी वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, मतलब अपने एरिया में यानी ग्रेटर नोएडा में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं बाय ई रिक्शा, बाय मेट्रो, बाय बस, आप यहाँ पे मतलब ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आसपास आपको हॉस्टल्स, पीजी, सब ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई आपको परेशानी वाली बात है नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था, 2000 से फुली मतलब ऐसा है कि बैच वगैरह पूरे स्टार्ट हो गए थे। एंड ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड साथ ही अब बात करते हैं कि कुछ एफिलिएशन वगैरह के बारे में, तो देखो एकेटीयू लखनऊ से जो इंस्टीट्यूट है एफिलिएटेड है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से। एंड इसके अलावा एआईसीटीई और एनबीए से भी इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड है, तो रिकॉग्नाइजेशन हमें मतलब काफी अच्छी मिली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड अगर मैं बात करूं अब यहां पे कुछ इसके कैंपस वगैरह के बारे में, तो 19 एकर्स में इसका जो कैंपस है वो फैला हुआ लशन ग्रीन एनवायरमेंट वाला कैंपस है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग वीडियोस एंड फोटोज के थ्रू देख भी रहे होंगे, साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा कैंपस है एंड एजुकेशन वाइज यानी बीटेक की एजुकेशन वाइज काफी अच्छा बताया जाता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इसका जो फ्लैगशिप कोर्स है वो सिर्फ बीटेक ही है, जो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसका बीटेक ही फ्लैगशिप कोर्स है, तो काफी पॉपुलर है। एंड मतलब अब हम आगे बढ़ते हुए बात करें इसकी कुछ रैंकिंग के बारे में, रैंक 12th फॉर बीटेक प्राइवेट कॉलेजेस बाय इंडिया टुडे 2023, रैंक 16th फॉर बीटेक प्राइवेट कॉलेजेस बाय इंडिया टुडे 2022, रैंक 18th फॉर बीटेक प्राइवेट कॉलेजेस बाय इंडिया टुडे 2021 एंड 2020 में 19th रैंक थी इंडिया टुडे के थ्रू, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर 12th रैंकिंग थी, उससे पहले कम थी, तो हर साल ग्रो ही कर रहा है, मतलब इंप्रूव होता जा रहा है, तो उसी तरीके से आप भी अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आप भी इंप्रूव होते जाएंगे। एंड और भी ढेर सारी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, वो वीडियो में आखिरी में बताता हूँ, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ के फी स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इनकी जो फीस रहने वाली है वो है 1.25 लाख पर ईयर, ठीक है, 1,25,000 आपके यहाँ पे फीस रहने वाली है इस साल से। एंड इसके अलावा आपके फालतू का कोई चार्जेस नहीं होता, 4 साल का ये पूरा कोर्स होता है, बस आपका जो फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका मिसलेनियस चार्जेस एंड यहाँ पे आपको मतलब एडमिशन कुछ चार्जेस होते हैं वो पे करने होते हैं, बाकी कोई और अलग से हर साल कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो 12th में आपके 55 यानी 50% से अबव एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एंड जेई मेन्स के एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, जेई मेन्स की काउंसलिंग के थ्रू, जो अगर आपके उसमें अच्छे खासे रैंक है तो आपका एडमिशन होने के चांसेस अच्छे हैं। एंड हाँ, अगर आपकी इतनी खासी मतलब अच्छी खासी रैंक नहीं आई है, आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, तो आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार जो स्क्रीन पर दिया नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं एंड अपनी सारी डाउट। एंड हाँ, कट ऑफ के बारे में अगर जानना है तो आपको कॉल जरूर करें, तो क्योंकि आपके जो भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट हैं मतलब आप टेक्स्ट करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं कि कितनी इनकी हाइस्ट कट ऑफ जाती है एंड ढेर सारी बातें होती है, तो वो हम कॉल पर जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। अब और हाँ, गेट एडमिशन और भी ढेर सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जब आप कॉल करेंगे तो आपके अगर कोई और भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, तो जरूर कॉल करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए। एंड आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ के हम मतलब प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि प्लेसमेंट भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो देखो अब प्लेसमेंट इनकी जो हाईएस्ट पैकेज 30 लाख बताया जाता है, एवरेज पैकेज वही 4-7 लाख तक रहता है, ठीक है, मतलब 5-7 लाख आप उसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, तो ठीक है, मतलब एवरेज है, पैकेज भी एवरेज है एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब नहीं है, डेट्स वाई मतलब ठीक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ की मतलब स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, तो वो मिलती है, तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलती है, ऑब्वियसली स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज ढेर सारी अवेलेबल है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर भी बहुत सारी फैसिलिटी मतलब स्कॉलरशिप आती है, तो वो भी आपको मिलती है एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो आपके लिए होती है। एंड अलग से स्टेट डोमिसाइल या फिर आपको मतलब कुछ ऐसा कास्ट की भी जो स्कॉलरशिप होती है वो भी मिलती है। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज के मामले में मैंने बताया आपको कैंपस के बारे में कि काफी अच्छा कैंपस है, बट यहाँ पे आपको और भी ढेर सारी फैसिलिटीज, जैसे अगर
अगर आपको यहाँ बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे लेबोरेटरीज काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन अच्छी मशीनरीज वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। वर्कशॉप की अलग क्लासेस, वर्कशॉप अलग बनाई जाती हैं क्योंकि आपको पता ही है यार बीटेक की जो मशीन है वो बड़ी बड़ी होती हैं कई कई मतलब जगह, तो आपको पता ही है यार बीटेक के अंदर जो मशीन वगैरह होती है, मशीन लर्निंग वगैरह की जो क्लासेज होती हैं वो अलग से वर्कशॉप में पढ़ाई जाती है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड हाँ, फैसिलिटीज़ जो कॉमन फैसिलिटीज़ लाइक कैंटीन और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई इनेबल कैंपस, एसी क्लासरूम्स, तो ये सभी तो मिलने ही वाली हैं। आई थिंक अब इस वीडियो में भी इतना काफ़ी रहेगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप गेट एडमिशन को कॉल करके अपने सारे डाउट क्लियर कर लें। एंड मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।